कंधा से कंधा मिला के हमारे महापुरुषों का साथ देंगे और जो हमारी मांगे हैं उनको लेके रहेंगे मैडम। और घरों में कौन देखेगा आप? घरों में तो बस पहले गए हो घरों में। हमारे आदिवासियों के हमारे हक को छीना जा रहा है। हमारे को आदिवासी, हम हिंदू नहीं है, हम आदिवासी। हम अक्से कहते हैं कि हम आदिवासी हैं, तो हम आदिवासी हैं। आदिवासी थे, आदिवासी हैं और आदिवासी रहेंगे। हिंदू हैं, उनकी बहुएं घर में बेटियां जो बहु हैं वो बाहर नहीं निकलती। हम तो शुरू से निकले और लड़े हैं। ये सारे जनरली आप देख रहे होंगे हमारी अपनी कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए, और इसी वजह से हमारा रहन सहन, खान पीन, तौर तरीका जीने का ये अलग है। पहले अलग कॉलम कोड होता था अन्य के नाम से, वो अन्य भी हटा दिया गया। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर, और यहाँ आदिवासी लोग अपनी डिमांड और मांगे लेकर जुटे हुए हैं। वहीं महिलाएं भी आई हुई हैं। आज महिलाओं से जानते हैं, आदिवासियों में महिलाओं का यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे घरों से महिलाएं निकल ही नहीं सकती हैं, पर यहाँ पर वो आई हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इन्हीं से जानते हैं, आपका नाम क्या है पहले? गायत्री मीणा। मैं कोटा, गायत्री मीणा हूँ और कोटा संभाग से आए हुए हैं हम, और हम हमारे कॉलम की मांग करने आए हैं। क्या कुछ समस्याएं हैं जिसको लेकर आप भी लोग आई हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे महिलाओं का जुटना? हमारा आदिवासी का जो हक है वो छीना जा रहा है, मतलब तो उसकी मांग को लेके हम जंतर मंतर पे धरना देने आए। एक दिन का धरना है, अगर हमारी मांगे नहीं माने गए तो हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे। अनिश्चितकालीन धरना करेंगे? आप लोग भी रहेंगी पुरुषों के बराबर? बराबर, पूरा बराबर साथ देंगे हम, और हम आगे हमारे पुरुष पीछे रहेंगे। आप ऐसा कर पाएंगी? जिस तरीके से आपकी जो अधिकारों को ध्वस्त किया जा रहा है, क्या वाकई में इस तरीके से सरकार कर रही है? क्या ध्वस्त कर रही है? बिल्कुल ध्वस्त कर रही है, और हमारे अधिकारों को हम छीनने नहीं देंगे। छीनने नहीं देंगे? कैसे नहीं छीनने देंगे? मैडम हम आगे आएंगे और बराबर पुरुषों का साथ देंगे हम, और हम मतलब कंधा से कंधा मिला के हमारे महापुरुषों का साथ देंगे और जो हमारी मांगे हैं उनको लेके रहेंगे मैडम। और घरों में कौन देखेगा आप? घरों में तो बस पहले गए हो घरों में का जमाना मैडम, सड़कों पे आ जाएंगी बिल्कुल अधिकारों के लिए। चलिए अभी और लोगों से भी जानते हैं, क्या नाम है आपका? रानी मीणा, कोटा संभाग से, संभाग के अध्यक्ष रानी मीणा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर पुरुषों के साथ बराबर आप लग लग के आई हैं। आपकी हम बराबर का साथ देंगे, हमारा कोलम कोड की मांग है, हम कोलम कोड को लेकर रहेंगे, हमारा अधिकार लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे सब। इससे पहले आप लोग नहीं उतरी थी कभी पुरुषों के साथ? अब इतना मतलब नहीं, हम उतरे हैं, अब उतरे हैं तो सब साथ ही, हम साथ में हैं, अब पुरुषों के साथ हैं, तो हमारे कोलम कोड की मांग है, तो हम कोलम कोड को लेकर रहेंगे। क्या हक अधिकार है आपके जो मतलब जिसका हनन हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि हनन किया जा रहा है वाकई में? हमारे आदिवासियों के हमारे हक को छीना जा रहा है। हमारे को आदिवासी, हम हिंदू नहीं है, हम आदिवासी। हम अक्से कहते हैं कि हम आदिवासी हैं, तो हम आदिवासी हैं। आदिवासी थे, आदिवासी हैं और आदिवासी रहेंगे। आपको हिंदुओं में जो है सरकार गिन रही है? हमको हिंदुओं में सरकार गिन रही है, हम हिंदू नहीं है, हम आदिवासी हैं। तो सरकार मतलब आपकी जो जनगणना है उसमें भी आप लोगों को पूछती है क्या वाकई में कॉलम में आपके नाम आते हैं? नहीं, नहीं आते, हम आदिवासियों के नाम नहीं आते, हमको हिंदू में गिना जाता है, आदिवासियों में नहीं। इसके लिए आप क्या कुछ कड़े कदम उठाएंगे? अभी तो यहाँ आ गई है, उसके बाद इतनी कड़ी गर्मी है, ध्वस्त हो जाएगा। कड़ी गर्मी है तो हमारे हक के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई लड़ते रहेंगे। कितना किसानों आंदोलन को फेल कर देंगी क्या? जी हाँ बिल्कुल जी। आप सब महिलाएं जुट जाएंगी एक साथ? जी हम एक साथ हैं। क्या उस परंपरा को आप तोड़ेंगी, क्योंकि इससे पहले कभी भी गांव देहातों से ऐसे महिलाएं नहीं आई है कभी भी ऐसे प्रोटेस्ट? तभी तो यहाँ जंतर मंतर पे आए हैं, नहीं तोड़ते तो क्या लेने आते हैं यहाँ पे? तो तोड़ दिए जंजीरें। आप आगे बढ़ाएंगी वाकई में? चलिए और भी महिलाओं से जानते हैं, क्या नाम है? मैं ऋषिका मीणा हूँ, कोटा से हूँ मैं, राजस्थान। इतनी दूर दूर से आप लोग आए हैं यहाँ पे? हम तो दूर से नहीं आए, हमारे तो पूरी इंडिया में हम आदिवासियों के हैं, हमारा हर जगह घर है, हम कहीं भी आ सकते हैं और जा सकते हैं। तो क्या कुछ है डिमांड और क्या यहाँ से लेके जाएंगी? हमारी किसी से कोई डिमांड नहीं है, हमारा जो अधिकार है वो हम लेके रहेंगे, किसी को छीनने नहीं देंगे। क्या अधिकार छीने जा रहे हैं? हमारे सभी अधिकार छीने, हमें जो क्या है ST SC में डाला गया था वो कैटेगरी भी हमसे छीनी जा रही है, हमारा आरक्षण छीना जा रहा है, और हमारा कोलम कोड जो था वो भी वापस हमसे छीना जा रहा है,
और कोलम कोड हम लेके रहेंगे। इस तरीके की परंपरागत आपने ड्रेस पहनी हुई है, उसमें आप आई हैं यहाँ पे, महिलाओं की एक पूरी जो मतलब चली आ रही है पुरानी संस्कृति की, महिलाएं घर से बाहर, दहलीज से बाहर पैर नहीं रख सकती। आप आज से आदिवासी महिलाएं तो हमेशा बाहर निकली है, हमेशा लड़ाई लड़ी, पुरुषों के साथ बराबर लड़ी है। जो हिंदू हैं उनके बहुएं, घर में बेटियां जो बहू हैं वो बाहर नहीं निकलती, हम तो शुरू से निकले और लड़े हैं। हम लड़ेंगी, जंगलों में रहते हैं, जंगलों में रहने वाले तो हमेशा से बाहर निकले हुए हैं। लड़ेंगी वाकई? हाँ बिल्कुल लड़ेंगे, इरादे हैं, पक्के इरादे हैं, लड़ते आए और आगे भी लड़ते रहेंगे। क्या कुछ कदम रहेंगे हमारे? हम अभी आज तो जंतर मंतर में आए हैं, अगर आगे भी हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम मुख्यमंत्री के पास, हमारे हर जगह पे जहाँ पे भी मंत्री हैं हम सबके पास जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, और यहाँ पे जितने भी धरने होंगे सभी जगह हम धरने प्रदर्शन। नहीं लगता महिलाओं में, महिलाओं के किस चीज़ का डर है? हम इंसान नहीं है क्या? इंसान नहीं है क्या? किस चीज़ का डर है? आप बोल रही हैं कि वहां तक जाएंगे, प्रधानमंत्री तक जाएंगे, बोल जाएंगे प्रधानमंत्री लिए जाएंगे आप लोग? क्यों पकड़ लिए जाएंगे? प्रधानमंत्री को हमने बनाया, उस सीट पे हमने बिठाया है, तो हमारे हमारी सुनवाई तो करनी पड़ेगी ना। मांग है जो है, डिमांड है, वो लेके ही रहेंगे, लेके रहेंगे, नहीं तो कुर्सी से उतारने की भी दम रखते हैं हम रखते हैं बिल्कुल रखते हैं। आप ही लोग जो है वोट देने चले जाते हैं? बिल्कुल, हम वोट देते हैं कि जो खड़े होंगे तो वोट देंगे तो हमारे अधिकार, हमारे लिए काम तो करना पड़ेगा ना। इस बार कुर्सी हिला देंगे? बिल्कुल हिला देंगे, यही उम्मीद करते हैं। आगे शायद आदिवासी ही इंसान की, हम जो भी होगा आदिवासी को ही चुनेंगे। आदिवासी आपके जो नेता हो, 15% आदिवासी हैं, तो आगे से हम, हमारा खुद का एक गवर्नमेंट सरकार है जो हम अपनी बनाना चाहते हैं, और सरकार बनाएंगे, अपनी खुद की सरकार बनाएंगे। इतना जाग चुके हैं, जागृत हो, जागृत पहले से भी जागृत थे, गांव में हैं तो वो बाहर नहीं निकल पाए थे, अब धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। एजुकेशन नहीं थी, धीरे धीरे हमें एजुकेशन मिली है, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो सब बाहर आ रहे हैं, हमारे साथ हैं। हमारा ये महिलाओं का या हम आदिवासी सांस्कृतिक रूप से भी हमारी आदिवासियत के हिसाब से यहाँ पर जो आप बोल रहे थे ना कि कपड़े लिबास वगैरह जो पहन कर आए हैं, ये सारे जनरली आप देख रहे होंगे हमारी अपनी कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए, और इसी वजह से हमारा रहन सहन, खान पीन, तौर तरीका जीने का ये अलग है। पहले अलग कॉलम कोड होता था अन्य के नाम से, वो अन्य भी हटा दिया गया। 1951 में तक ट्राइबल रिलीजियन कॉलम कोड था, उसको हटा दिया गया, और उसके बाद अन्य रखा, तो वो अभी वाली जनगणना में 7 जो कॉलम होते थे उसकी बजाय 6 ही कर दिया। आपको अच्छे खासे तरीके से छांटा गया है? छांटा तो पूर्व में भी गया है, जबकि आपको अगर इतिहास मालूम हो तो ट्राइबल को जितना भी था वो अंग्रेज के खिलाफ या जो सामंती लोग नीचे के उनसे लड़ता रहा है, उनकी 5वीं 6वीं अनुसूची उनके अधिकार सुरक्षित रखने के लिए, जैसे कश्मीर की 370वीं धारा थी, ऐसे ही 5वीं 6वीं अनुसूची दी गई थी कि भारत में हम अंग्रेज यहाँ रहना चाहते हैं या दूसरों के साथ रहना चाहते हैं, आपके सुरक्षित अधिकार है 244(1)(13)(3)(क) वगैरह, जिसमें आदिवासी की रूढ़ी परंपरा के अनुसार वह विधानसभा लोकसभा से भी बड़ी मानी जाती है, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। ये है आदिवासियत, जो नीचे जयपाल सिंह मुंडा कहते हैं कि हमारे को तुम लोग। क्या नाम है आप? मेरा बीएल छानवाल है, राजस्थान उदयपुर से। बहुत अच्छा बोला है आप। अच्छा, आप सबका मीडिया का सहयोग मिलेगा तो ये आवाज को। चलिए अभी जो है हमने महिलाओं से भी बात की, ये बहुत बड़ी बात है कि महिलाएं घर की दहलीज लांघकर अपनी परंपरागत ड्रेस में और यहाँ पर प्रोटेस्ट में आती हैं और अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ती हैं। बहुत बड़ी बात है ये महिलाओं के लिए और इन आदिवासियों के लिए, क्योंकि इनकी डिमांड और मांग यही है कि इनको कोड कॉलम दिया जाए, जो कि कभी भी इनको पूछा नहीं गया, कभी भी किसी जनगणना में इनका नाम नहीं दिया गया, मगर मुख और मंच से हमेशा से ये बोला गया, मगर ये कितना कागजातों में सच दिखता है वो ये लोग बता रहे हैं और आपने भी सुना है। तो इसी के चलते आप देखते रहिए इनका आंदोलन, मैं इसी तरीके से आपको दिखाती भी रहूँगी आगे भी। जब तक के लिए बने रहिए जनहित आवाज़ पे। मैं पूजा, नमस्कार।